अरे क्या कर रही हो आप दादी? तुमको दिखाई ना देता क्या कर रहे हैं? ये जो सिंदूर नाम का कलंक लगा है उसे मिटा रहे हैं। अरे दादी जी प्लीज। चुप। तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई? अरे हमरे पूरे परिवार के सामने तुमने हमरी बहुरिया की मांग में सिंदूर भर दिया। अरे हमरी अच्छाई के बदले विश्वासघात दिया है तुमने। और ये अपनी फीलिंग डीलिंग जो भी है ना अपने पास रख, हमका कुछ समझ में ना आता। देखो रे सब, ये सब करने से पहले तुम्हें कम से कम भली भांति सोच तो लेना चाहिए था ना। काहे से कि इस बात से सरोजनी की जिंदगी जुड़ी हुई है, उसका स्वाभिमान जुड़ा हुआ है और हमारे घरे की मान मर्यादा जुड़ी हुई है। मगर तू तो इतना समझदार है, इस मामले में ऐसा कैसे कर दिया? और अगर तुम्हारे दिल में सरोजनी को लेकर ऐसी कोई बात थी तो तुम हमें पहले से बताते, हम शांति से सोच समझ कर इस मामले को दूर किया जा सकता था। अरे हम तो ये बर्दाश्त ही ना कर सकते कि इसने सरोजनी की मांग में सिंदूर भर दिया। माँ जी, गुड्डे गुड़िया का पुत्री का खेल है का? माँ जी, अरे चुप करो तुम। अरे माँ जी, आप लोग तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे, ना ही समझने की कोशिश कर रहे। मैंने जो किया है सरोजनी को बचाने के लिए किया, वरना वो मीडिया वाले, वो महिला मोर्चा वाले से छोड़ते नहीं। आप सबको अपमानित होने से बचाने के लिए किया है। आप लोग तो मेरी बात ही नहीं समझ। नहीं, ये दोनों तरीका ना है। ये शादी को हम शादी ना मानते। अरे ये शादी मतलब पूरे परिवार के लिए शर्म से डूब मरने की बात। जो भी है दादी जी, लेकिन हम सबको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ऋषभ ने जो भी किया वो सरोजनी को बचाने के लिए किया। वैसे भी ये मामला तो हम सबके हाथ से निकल ही चुका था, तो सोचना हमें ये है कि ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। आज तो ऋषभ ने सरोजनी को बचा लिया, लेकिन कल, कल क्या होगा? हमारी सरोजनी पहले इसके सिर पे मुसीबत कम लेती, अपनी किस्मत ही खराब लिखवा के इस धरती पे आई है बेचारी। आप सब देखिए और समझिए, हमारे पास अब सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो इन दोनों की शादी करा दी जाए। आप लोग बस नाम के बड़े हैं, संस्कार तो जरा भी ना है। अगर संस्कार होते तो तुम्हारा भतीजा ये हरकत न करता। इसलिए आप लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधो और जाओ यहां से। हम आपका गुस्सा समझ सकते हैं, जो ऋषभ ने किया वो सही नहीं है। हम खुद उसकी हरकतों पे बहुत शर्मिंदा भी हैं और नाराज भी हैं, लेकिन अब जो हो गया वो कोई बदल तो नहीं सकता ना। मतलब ये दादी कि हम ऋषभ से सहमत हैं। हमें ऋषभ की वजह से इस शादी के बारे में बात करनी पड़ी, नहीं तो वो हमारी सीक्रेट सबको बता देता। लेकिन ऋषभ ने तो हमसे वादा किया है कि सीक्रेट हमेशा सीक्रेट ही रहेगी एंड द ट्रूथ विल नेवर कम आउट। नहीं, लेकिन अब हम ऋषभ पे यकीन नहीं रख सकते। उसका ये रवैया देख के आई जस्ट कांट ट्रस्ट हिम एनीमोर। इसलिए हमें एक और प्लान बनाने की जरूरत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
हेलो प्रतीक, आपको अर्जेंटली 2 दिन के लिए लखनऊ आना होगा। कंपनी में एक लीगल इशू क्रिएट हुआ है। या ओके ठीक है। हेलो, हाँ ऋषभ, ऋषभ क्या तुम अभी हमारे कमरे में आ सकते हो? कुछ अर्जेंट बात है। हाँ जी चाची। ऋषभ, हमें अर्जेंटली किसी काम के लिए 2 दिन लखनऊ जाना है और तुम्हारे पास सिर्फ ये 2 दिन है ऋषभ, सरोजनी और उसकी फैमिली को इस शादी के लिए तैयार करने के लिए। और अगर इन 2 दिन में तुम ये काम नहीं कर पाए तो हम लखनऊ वापस चले जाएंगे और तुम हमारे साथ चलोगे। ऋषभ चाची जी, मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है, आप चले जाइए। कहीं मैं यहाँ से चला गया और वो महिला मोर्चा वाले फिर से आ गए तो सरोजनी को बहुत मुश्किल से गुजरना पड़ेगा, तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वही करो। वैसे भी तुम हमारी तो कोई बात मानने वाले नहीं हो। पंडित जी, क्या आप हमारे घर आ सकते हैं अभी? वो क्या है ना, आपसे बात करनी थी। अभी मैं नहीं आ सकता, एक यजमान के यहाँ अभिषेक कराना है। आप क्यों नहीं आते? इसी बहाने भगवान के दर्शन हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल, हम ही मंदिर आ जाते हैं। वो दरअसल व्रत के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी आपसे, इसलिए मिलना था। ठीक है, आप आ जाओ। जी ना मानिएगा साहब, पर आपकी मुस्की कुछ कह रही है, क्या हुआ? समझ जाती हो मेरी मुस्की को तुम्हें? क्या है ना कि इंदिरा गई रही अभी मंदिर, कुछ व्रत रत रखे उसने, पाठ पूजा करेगी, व्रत तोड़ेगी तो 2 घंटे तो लगेंगे। अब ये बताओ कि तुम्हें ये बात जानकर कैसा लग रहा है? अब हम का कहे साहब, बाकी भगवान किसे नहीं भाते। सही बात है। अरे अम्मा जी, अम्मा जी, ओ जल्दी चलिए, गजब होएगा वहाँ। क्या हुआ बताओ ना। ओ अरे सब सर जी, अब हमको ना पता क्या हुआ। नहीं नहीं भगवान जाने, आप लोग जल्दी चलिए ना। सुनो 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 सुनो, का है ना, देखो ध्यान से सुनो, का है कि देखना पड़ेगा ऋषभ जी को क्या हुआ है। उको कुछ हो गया, वो हमरे घर में है तो सारा जिम्मा हमरे सर पे आएगा, समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं? उको पहले देखते हैं क्या हुआ है, उके बाद उको भगा देंगे, समझ गए? आ जाओ। ठीक ठीक ठीक, जल्दी आओ जल्दी आओ। ऋषभ सर, ऋषभ जी, अरे ऋषभ जी, ऋषभ जी आराम। अरे ऋषभ जी, क्या हुआ आपको अचानक से? पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, कहा है? अरे आप ठीक थे, अचानक से ये सब कैसे हो गया? आप ठीक हो? मैं फ्रेश होकर बस नीचे आने की कोशिश कर रहा था, अचानक से चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गया। रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही लगता है मैं। अरे आपको तो बुखार है, इनको बुखार है भाई। अरे बीमार है, फिर से निकल के ठंडा पानी पी रहा है, कुछ ही बताते हैं सरोजनी को। तू यहाँ कैसे आएगा? लगता है डॉक्टर को फिर से बुलाना पड़ेगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अब कबूल कर लो कि तुम रसोई घर में पानी पीने के लिए गए थे और तुमने फ्रिज से निकाल के ठंडा पानी पिया। काश मैं चल सकता।